हेलो दोस्तों, मेरा नाम है राहुल और आज मैं आपको बनाकर दिखाने वाला हूँ एक ब्लूटूथ स्पीकर, वो भी 20-25 IC एम्पलीफायर यूज करके, जो कि 3 to 5 वोल्ट से रन करता है। सबसे पहले आपको एक स्पीकर ले लेना है 4 वाट का और एक लिथियम बैटरी ले लेनी है 3.7 वोल्ट की, या मोबाइल बैटरी भी आप सिलेक्ट करें। और ये देखिए हमारा एम्पलीफायर छोटा सा 20-25 IC इसमें लगी हुई है और 4 वोल्ट से ये रन करता है, 3 to 5 वोल्ट से ये रन कर सकता है। आप चाहे मोबाइल चार्जर से या बैटरी से भी रन कर सकते हैं। एक बैटरी होल्डर ले लिया मैंने, एक DC चार्जिंग कनेक्टर ले लिया, आप इसे लगाएं या ना लगाएं कोई बात नहीं। और एक BT ले लिया मैंने, BT चिप, इसको आप ऑनलाइन आसानी से खरीद सकते हैं, इन दोनों ही एम्पलीफायर और BT चिप को। BT चिप भी 3 to 5 वोल्ट से रन करता है। सबसे पहले आप एम्पलीफायर में ये वायर मैंने कनेक्ट किए, आप देख सकते हैं ये पावर का वायर है और ये ग्रीन और ब्लैक ये आपके ऑडियो इनपुट के हैं, और ये ब्लैक और रेड पावर के और येलो और ब्लू स्पीकर के। आप कनेक्शन ठीक से देख लीजिए, क्योंकि आप ऑनलाइन अगर इसे ख़रीदते हैं तो कनेक्शन इसमें वायर आपको सोल्ड नहीं मिलते, इस तरह से आपको कनेक्शन सोल्ड कर लेने हैं। सोल्ड करने के बाद BT चिप के कनेक्शन मैं आपको दिखा दूं, बहुत ही आसान है। इसमें आपको इंडिकेशन पहले से ही शो करी हुई है, VCC लिखा होगा और ग्राउंड लिखा होगा। इस पे VCC पे आपको रेड वायर यानी पॉजिटिव वायर और ग्राउंड पे आपको ब्लैक वायर सोल्ड करना है, जैसा कि आप देख सकते हैं। और ऑडियो इनके लिए इसमें LR और G दिया होगा, मतलब कि लेफ्ट स्पीकर, राइट स्पीकर और बीच में ग्राउंड। तो ये सिंगल चैनल एम्पलीफायर है, तो BT चिप से हम सिर्फ एक चैनल का इनपुट लेंगे, जैसा कि मैं लूँगा राइट चैनल और ग्राउंड, सिर्फ दो ही वायर सोल्ड करूँगा, लेफ्ट चैनल वाला वायर मैं नहीं सोल्ड करूँगा। जैसा कि आप देख सकते हैं कनेक्शन मैंने इस तरीके से कर दिए, BT चिप को भी मैंने इस एम्पलीफायर बोर्ड से जोड़ दिया। BT चिप के भी पावर के कनेक्शन मैंने एम्पलीफायर के पावर के कनेक्शन के साथ सोल्ड कर दिए हैं। ये देखिए मैंने सिंगल चैनल के वायर कनेक्ट कर दिए हैं ऑडियो इन पे एम्पलीफायर में, और इसके पावर के वायर मैंने एम्पलीफायर के पावर के साथ सोल्ड कर दिए, और स्पीकर मैंने स्पीकर के वायर में कनेक्ट कर दिया, और बैटरी भी मैंने लगा दी है, ये ऑन हो चुका है। अब मैंने एक स्टिंग ड्रिंक का कटआउट लिया और उसमें इस सर्किट को डाल दिया, ऊपर से स्पीकर लगा दिया। अब मैं आपको इसकी आवाज़ सुनाता हूँ, और दिखने में तो काफ़ी शानदार लग रहा है। आप चाहें तो इसे घर पर आसानी से बना सकते हैं, बहुत ही आसान है, 3 to 5 वोल्ट से रन करता है और आप होममेड ब्लूटूथ स्पीकर बना सकते हैं। करने वाले एक बहुत ही यूनिक प्रोडक्ट, ये एक बेसिकली एम्पलीफायर बोर्ड है और इस बोर्ड का नाम है 72। बहुत ही यूनिक और परफेक्ट प्रोडक्ट, ये एम्पलीफायर बनाने के काम आता है। प्लस मैं इसकी खास चीज आपको बताऊंगा, उससे पहले आप इसका लुक देखिए दिखने में कैसा है। और ये बेसिकली किसी दूसरे एम्पलीफायर से काफी बड़ा और काफी हैवी भी है। इसमें जो हीट सिंक लगा हुआ है वही इसको हैवी बनाता है, और इसमें ये 2 IC जिसमें आपको स्पीकर प्रोवाइड होते हैं, इससे आप 200 वॉट प्लस स्पीकर चला सकते हैं, जो स्पीकर पर सब ऑफर होते हैं। और इसमें आपको कनेक्शन करने की कोई जरूरत नहीं, इसमें आपको इंडिकेशन कर कनेक्शन करके दिखा रखा है। प्लस में एक ऑक्स वायर भी आपको दे रखी है, और ये 24/24 ट्रांसफार्मर से